संचारबंदी से शहर के मरीजों को नहीं मिल रहे ब्लड डोनर, जिसके चलते कैंसर, थैलेसेमिया के साथ साथ और भी बीमारी के मरीजों को ब्लड उपलब्ध नहीं हो रहा। ऐसे में लोग कम संख्या में जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ऐसा आह्वान भी डॉक्टर हेडगेवार रक्तपेढ़ी की ओर से किया गया। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में संचारबंदी लागू की गई है। शहर के अलग अलग अस्पतालों में कैंसर, थैलेसीमिया और एचआईवी के कई मरीज हैं, जो अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन जब से संचार बंदी हुई है, तब से लेकर अब तक कई लोग अपने ही घर में बैठे हुए हैं। सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों को ऑपरेशन से लेकर कई अन्य कारणों से खून की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में लोगों ने सरकार के आदेशों का पालन करते हुए कम संख्या में अस्पताल या शहर के रक्त पीढ़ी जाकर ब्लड डोनेट करा सकते हैं। ऐसी जानकारी डॉक्टर हेडगेवार रक्त पीढ़ी के डॉक्टर्स द्वारा दी गई। जब से पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने अपने पांव पसार दिए, तब से चाहे विश्व हो या कोई भी हो शहर, ये सब उसके चपेट में आ रहे हैं। लेकिन इनके चपेट में आने के बाद में जो देश के और शहर में जो अन्य बीमारी से पीड़ित ऐसे जो मरीज़ हैं जिन्हें खून की ज़रूरत होती है, ऐसे मरीजों को आए दिन खून नहीं मिल रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि जो डोनर जो ब्लड देना चाहते हैं, वे संचार बंदी के कारण आ नहीं पा रहे हैं। इसी बात को लेके आज हम डॉक्टर हेडगेवार रक्तपेढ़ी में आए हुए हैं। इस रक्तपेढ़ी में आने के बाद में हम आपको बताएंगे कि ब्लड डोनेशन को लेकर ब्लड कैसे दिया जाता है और क्या यहाँ पे ब्लडों की कमी है या किस प्रकार की दिक्कत इन्हें आ रही है, जानना चाहेंगे डॉक्टर हेडगेवार रक्तपेढ़ी से। आइए हमारे साथ, अब हम आपको भीतर ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही डॉक्टर हेडगेवार रक्तपेढ़ी है और ये तमाम डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। और शहर में जब भी कभी ब्लड लगता है किसी मरीज को, तो ये सबसे बड़ी ऐसी एक रक्तपेढ़ी है जहाँ से लोगों को खून दिया जाता है। ये तमाम डॉक्टर्स की टीम भी है। सर, ये जो रक्तपेढ़ी है, इसके कामकाज के बारे में हम जानना चाहते हैं। क्या आप हमें उस लैब तक ले, वहाँ तक ले जा सकते हो जहाँ पे आपकी ये ब्लड बैंक है? तो आइए अंदर में, आइए हमारे साथ। शहर में जितने भी कैंप चलाए जाते हैं डॉक्टर हेडगेवार रक्तपेढ़ी की ओर से लिए जाते हैं। खास बात तो है कि ये वही जो कुर्सी आप देख रहे हो, ये इसी के ऊपर में कुछ डोनर्स आते हैं और अपना ब्लड डोनेट करते हैं। ये तमाम यहाँ पे जो साहित्य, जो इक्विपमेंट दिख रहे हैं, उसी के लिए है। और लोग अपना ब्लड दे देते हैं। ब्लड देने के बाद उसके ऊपर में अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। कुछ डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ में है, आइए सीधा उनसे चलकर बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि अब तक के कितना, क्या तक कोरोना वायरस को लेके हमने ऐसा सुना है कि ब्लड की काफ़ी कमी हो रही है, क्या कहना चाहोगी कि आपके रक्तपेढ़ी में भी ब्लड की कमी हो रही है? अभी सर हमारी जो कैंप की टीम है वो कंटिन्यूसली इसमें जुटी हुई है। जो हमारा कॉलिंग सेक्शन है, जो डोनर्स को अभी बुला के यहाँ पे इन हाउस ब्लड कलेक्शन वो करे, इसलिए हम मोटिवेट कर रहे हैं डोनर्स को। लेकिन हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ये परमिशन दी थी और उनके माध्यम से हम ये अपील कर रहे हैं ब्लड डोनर्स को कि मेगा कैंप्स ना करते हुए छोटे छोटे अगर कैंप्स करे या पाँच की ग्रुप में लोग आके अगर ब्लड डोनेशन करना चाहेंगे तो जो नीडी पेशेंट है, स्पेशली ट्रॉमा के पेशेंट्स हो गए, कैंसर के मरीज हो गए या थैलेसीमिया के मरीज हो गए, जिनको रेगुलरली हर महीने में एक पेशेंट को 3 से 4 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है, तो ये सप्लाई हमारा रेगुलर बनता रहे। मैम, डॉक्टर हेडगेवार रक्तपेढ़ी का आज का स्टेटस क्या है? अभी तो सर हमारे पास फिलहाल करंट स्टेटस देखते हुए नेक्स्ट एक वीक तक का तो स्टॉक अभी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर हमारा एक दिन में जो पहले हम 50 से 70 यूनिट कलेक्ट करते थे, कम से कम वो 20 से 30 यूनिट का डोनर्स जो है हमारे डेली बनते रहे। तो ये नेक्स्ट 10 दिन के बाद भी हमारा स्टॉक जो है वो मेंटेन होता रहेगा, क्योंकि हमारे इस विदर्भ रीजन में लगभग 9 जगह पे ब्लड स्टोरेज सेंटर्स भी हैं, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, इन जगह पे वहाँ पर भी ब्लड जो है वो इसी ब्लड बैंक के से भेजा जाता है, सो दैट उधर भी दूर दराज के जो मरीज हैं उनको भी ब्लड मिलता रहे। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात इन्होंने की। अभी डॉक्टर विजय जी हमारे साथ में। विजय साहब, ये बताइए कि आप लोगों को क्या अपील करना चाहते हो इनबीसीएन के माध्यम से? मुझे सबसे पहली अपील ऐसी है कि कोरोना से किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा भीड़ न करते हुए रक्तदान करना चाहिए और जो लोग, जो मरीज़ हैं जिनको रक्त की ज़रूरत है, उनको रक्तदान पूरी हो यह उन्होंने ज़रूर देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि
अभी जो हमारे हालात है, हमारी ब्लड बैंक में तो काफ़ी तादाद में ब्लड है, लेकिन बाकी ब्लड बैंक में ऐसा लग रहा है कि रक्त की तादाद कम हो रही है। इसलिए हमारी कोशिश यह है कि लोगों ने रक्त पीढ़ी में आके यानी ब्लड बैंक में आके रक्तदान तो करना ही चाहिए, और बाहर के ब्लड डोनेशन कैंप छोटी छोटी तादाद में, छोटे छोटे नंबर्स में ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी तादाद में यदि संचार बंदी लगी हो तो बड़ी तादाद में आके हम नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 144 जो लगी उसका भी सरकार के आदेश का पालन करना भी हमारा दायित्व होता है, मगर ब्लड डोनेशन करना ये उससे भी बड़ा दायित्व है, क्योंकि कुछ ऐसे मरीज है कि आज संचार बंदी के कारण लोग यहाँ पे डोनेशन नहीं कर रहे, ब्लडों की कमी जा रही है। जिस प्रकार से डॉक्टर सोनी मैडम ने जो बताया कि थैलेसेमिया हो, कैंसर हो, ऐसे कई ऐसे पीड़ित जो मरीज है आज ब्लड के लिए तरस रहे हैं लेकिन उन्हें ब्लड नहीं मिल रहा है। हम डॉक्टर शिरसागर मैडम के और जाते हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। मैडम ये बताइए कि ब्लड डोनेशन का कितना बड़ा महत्व होता है? ब्लड डोनेशन का महत्व अमूल्य है, वो उसका कुछ शब्द में बता नहीं सकते। ब्लड डोनेशन इज़ लाइफ सेविंग, यानी इसलिए हर जो भी या एज 18 to 60 ईयर्स के लोग हैं उन्होंने ब्लड बैंक में आके स्फूर्ति से रक्तदान करना चाहिए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू द ऑल नीडी पेशेंट्स। ठीक है, तो बिल्कुल जितने मतलब गरजू लोग हैं उन लोगों को ये ब्लड दिया जाएगा, बशर्ते हमें ब्लड के कैंप अरेंज करना होगा। बड़े पैमाने पर नहीं, दो दो चार चार लोग भी यदि आते हैं तो हमारे जो आदेश है उसका भी पालन होगा, और देश में जो मरीज बेसब्री से ब्लड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी जाइए, ब्लड अपने अपने तरीके से आप अपने इलाके में जाके आप शिविर ले सकते हैं, और ऐसे जो हेडगेवार जो बड़ी रक्त पीढ़ी है उसके उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है या उनके डॉक्टर की टीम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं एक नंबर उनसे कहना चाहूँगा, मैम अगर नंबर बताना चाहो तो कौन सा नंबर आपका है जिसके ऊपर में लोग आपके यहाँ आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं या छोटे छोटे जो शिविर है वो ले सकते हैं? जी सर, अब अगर आप कैंप्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक कैंप डिपार्टमेंट है, उनका नंबर हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, या तो जो हमारे ब्लड बैंक का रिसेप्शन का नंबर है वो भी शेयर कर देते हैं, और हम डॉक्टर्स की टीम जितनी भी है वो सारे नंबर हम आपको बता देते हैं अभी। तो बिल्कुल, जो आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहे हैं इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। मैं अभी भी जिन्होंने अपने टीवी सेट शुरू किया उनको मैं बता दूं कि ब्लड की काफ़ी कमी इस दिनों शहर में हो रही है, ऐसे में जो संचार बंदी लगी है उसके कारण लोग डोनेट नहीं कर रहे, आप घर से निकलेगा डोनेट कीजिएगा। और मैं फिर से एक बार बता देना चाहूँ कि स्क्रीन पर इस समय में वो नंबर जो चल रहे हैं उस नंबर के ऊपर पर आप ज़रूर संपर्क कीजिए और लोगों की जान भी बचे, क्योंकि समाज की सेवा देश की सेवा होती है और ब्लड से बड़ा श्रेष्ठ दान कोई और नहीं होता। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।